Okay, people. Today we are going to talk about the concept of vectors. सुनियो सब लोग, हम लोग vectors के बारे में discuss करने वाले हैं और vectors का जो basic initial idea है वो सबको पता है, right? और हमने motion के chapter में भी ये, मैंने अपने motion के chapter में भी vectors and scalars का basic idea present किया था. तो अभी जो हम discuss करने वाले हैं, जो discuss करेंगे इस पूरे session में, हम लोग details में vectors क्या है और वेक्टर्स के साथ कैसे डील करना पड़ता है, वेक्टर्स के केस में कैसे एडिशन होता है, कैसे सब्ट्रैक्शन होता है, कैसे मल्टीप्लिकेशन होता है, इन सब चीजों के बारे में हम डिस्कस करेंगे. ठीक है, रेडी, स्टार्ट करें? हाँ सर. ओके, फाइन. मैंने एग्जांपल पहले भी बताया था, आज फिर से बता रहा हूँ कि इस दुनिया में ऐसे बहुत सारे क्वांटिटीज है जिनको समझाने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड काफी है, राइट? अगर तुम दुकान में जाओगे और आलू खरीदोगे, 2 kg आलू दो, यही तो बताओगे, डायरेक्शन तो नहीं बताओगे कि भैया 2 kg आलू दो ईस्ट डायरेक्शन. Will it make sense to state a direction No, in this case? No. No, it sir. will not make any sense कि अगर जाके तुम ये बताओगे कि भैया 2 kg आलू दो ईस्ट डायरेक्शन है, बिकॉज यहाँ पर तुमने मास का इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया है. मास को समझाने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड काफी है. अगर 2 kg तुम बोल दोगे तो जो सुनने वाला है उसको समझ में आ जाएगा कि तुमको कितना क्वांटिटी ऑफ आलू चाहिए. तो इस क्वांटिटी को समझने के लिए डायरेक्शन नहीं चाहिए. बट ऐसे बहुत सारे क्वांटिटीज हैं जिनको तुमको समझाने के लिए मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों चाहिए. जैसे कि अगर बोलना बोलना चाहते वेलोसिटी, ये प्लेन उड़ रहा है, द प्लेन इज ट्रैवलिंग विद द वेलोसिटी ऑफ लेट अस से 200 मीटर पर सेकंड, बट किस डायरेक्शन में? अगर तुम सिर्फ बोल दोगे 200 मीटर पर सेकंड, किस डायरेक्शन में अगर तुम मेंशन नहीं करोगे तो ये इन्फॉर्मेशन कंप्लीट नहीं है. तुमको डायरेक्शन मेंशन करना पड़ेगा. लेट अस से दैट द प्लेन इज ट्रैवलिंग टुवर्ड्स नॉर्थ, तो ये स्टेटमेंट तभी कंप्लीट होगा इफ यू से दैट द प्लेन इज ट्रैवलिंग विद द स्पीड ऑफ 200 मीटर पर सेकंड along the north direction. ठीक है, displacement अगर बोलोगे तो displacement को समझाने के लिए magnitude as well as direction दोनों चाहिए. Force, तुमने 200 newton का force लगाया, किस तरफ? 200 newton तो सिर्फ magnitude हुआ, किस तरफ force लगा ये भी बताना पड़ेगा. तो force भी एक vector quantity हुआ. Impulse, change in momentum, vector quantity is weight, vector quantity torque, vector quantity momentum, vector quantity angular velocity, ये सारे vector quantities हैं. Is it clear to all of you people? समझ में आया मैंने अब तक क्या बताया? Yes, sir. Okay. Yes, sir. लेकिन इसमें कुछ कुछ you know, interesting catch है जिसको तुमको समझना बहुत जरूरी है. ऐसे बहुत सारे quantities हैं, बहुत सारा तो नहीं बोलूंगा बट फिलहाल मेरे दिमाग में एक ही quantity आ रहा है. ऐसे quantity है जिसके पास magnitude भी है और जिसके पास direction भी है बट फिर भी वो vector quantity नहीं है. And I'm talking about current. And hearing the point what I'm trying to say, मैं कह रहा हूँ कि करंट के पास मैग्नीट्यूड है, yes, 5 ampere of current flow कर रहे हैं. एंड करंट किस तरह फ्लो करता है? करंट ऑलवेज फ्लोस फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल. Have you heard about these lines? Yes, sir. Yes, sir. Yes, करंट के पास मैग्नीट्यूड भी है, करंट के पास डायरेक्शन भी है, फिर भी करंट एक वैक्टर क्वांटिटी नहीं है. बिकॉज देखो, वैक्टर बनने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन काफी नहीं है. द क्वांटिटीज ऑल्सो हैव टू ओबे लॉस ऑफ वेक्टर एल्जेब्रा. वेक्टर एल्जेब्रा का मतलब है कि वेक्टर्स को ऐड करने का रूल्स, या वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने का रूल्स, वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट करने का रूल्स, ये सारा रूल्स अलग है. हमको जो प्लस करने का रूल्स आता है, या माइनस करने का रूल्स आता है, या मल्टीप्लाई करने का रूल्स है, देयर ऑल स्केलर एल्जेब्रा. स्केलर्स के केस में 5 + 2 = 7 होता है, बट वेक्टर्स के केस में 5 + 2 = 7 नहीं भी हो सकते. वेक्टर एल्जेब्रा एक कंप्लीटली अलग यू नो आइडिया है और इसको लेके हम बहुत डिटेल्स में आगे जाके स्टडी करेंगे. लेकिन अगर एक फिजिकल क्वांटिटी को के पास मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, एंड एट द सेम टाइम इफ इट ऑब्वियस द लॉस ऑफ वेक्टर अलजेब्रा, तभी जाके हम कहेंगे कि वो एक वेक्टर क्वांटिटी है. तो करंट जो है, इवन दो इट हैज मैग्नीट्यूड, इवन दो इट हैज डायरेक्शन, बट इट इज स्टिल नॉट ए वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज इट डज नॉट ओबे द लॉस ऑफ वेक्टर अलजेब्रा. इज इट क्लियर पीपल? यस सर. सेकेंडली, अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी के पास डायरेक्शन है, मैग्नीट्यूड तो होगा ही, लेकिन अगर डायरेक्शन है, डज इट मीन कि वो वेक्टर होगा? अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी के पास डायरेक्शन है, मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन है, डज इट मीन कि वो वेक्टर होगा? हमने तो जस्ट नाउ देखा करंट इसके पास मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, फिर भी ये वेक्टर नहीं है. ऐसा ही कुछ केसेस जैसे कि यू नो टाइम देख लो या प्रेशर देख लो,
टाइम बहुत लोग ऐसा आर्गो कर सकते हैं कि सर टाइम तो मैग्नीट्यूड होगा एंड टाइम ऑलवेज मूव्स फ्रॉम पास्ट टू प्रेजेंट टू फ्यूचर, ऐसे आर्गो कर सकते हैं पास्ट टू प्रेजेंट टू फ्यूचर, तो ये तो एक डायरेक्शन हुआ. ये डायरेक्शन नहीं है पीपल एक्सेप्ट. पास्ट टू प्रेजेंट टू फ्यूचर इज अ सीक्वेंस, दिस इज नॉट अ डायरेक्शन. और इन अदर वर्ड्स, अगर और भी स्पेसिफिकली बताना है, मैथमेटिकली बताना है, टाइम जो है वो रूल्स ऑफ वेक्टर अलजेब्रा फॉलो नहीं करता. प्रेशर, प्रेशर जो है ये भी वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, दिस इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी. कैन यू टेल मी प्रेशर का फॉर्मूला क्या है? कैन आई से प्रेशर इज नथिंग बट फोर्स बाय एरिया? यस सर. ओके, डू पीपल एग्री दैट फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी? यस सर. यस, कम ऑन पीपल एवरीवन, जिज्ञासा, दिनिशा, विजिता, डू पीपल एग्री दैट फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी? यस. Okay, yes, sir. तो हमने फोर्स को एरिया से डिवाइड किया था, तब हमको प्रेशर मिला. तो लॉजिक क्या बताता है? लॉजिक ये बताता है कि अगर प्रेशर को हमने एक वेक्टर क्वांटिटी से डिराइव किया है, तो प्रेशर को भी एक वेक्टर होना चाहिए. ट्राई टू अंडरस्टैंड. किसी भी कॉमन आदमी के दिमाग में ऐसा क्वेश्चन आएगा कि अगर हमने प्रेशर को एक वेक्टर क्वांटिटी से डिराइव किया, जैसे फोर्स से डिराइव किया, फोर्स बाय एरिया करने से हमको प्रेशर मिलता है, तो प्रेशर भी एक वेक्टर क्वांटिटी होना चाहिए. बट द आंसर इज नो, प्रेशर इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी. व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? एक रीजन तो ये है कि देखो, ये जो है प्रेशर जो है ये तुम्हारा वेक्टर अलजेब्रा के रूल्स को फॉलो नहीं करता. बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मैं अगर ये कहूंगा तुमको प्रॉपर फील नहीं आएगा, बिकॉज वेक्टर अलजेब्रा अब तक पढ़ा ही नहीं. बट अगर मैं सिंपल तरीके से बताना चाहूँ, ट्राई टू अंडरस्टैंड कि सोचो कि एक नदी है, नदी या एक वेसल के अंदर पानी है ना, और मैंने तुमको पूछा, बोलो तुम यहाँ पर प्रेशर का डायरेक्शन क्या होगा? व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ प्रेशर? ऐसा पूछ दिया कि यहाँ पर प्रेशर का डायरेक्शन कैसा होगा? जनता सुन रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? और यू पीपल लिसनिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? यस सर. अभी अगर कोई तुमको यहाँ ये पूछे ना कि प्रेशर का डायरेक्शन यहाँ पर क्या है, then we will not be able to answer. Because pressure का direction जो होता है, that is always perpendicular to the surface on which the pressure is acting. तुमने 9 में पढ़ा होगा कि तुम्हारे पास एक बड़ा सा सिलेंडर होता था, याद है? 9 या 10 में पढ़ा होगा कि यहाँ पर अगर तुम गड्ढा कर दोगे तो पानी हमेशा ऐसा निकलेगा, यहाँ गड्ढा करोगे तो पानी हमेशा ऐसा निकलेगा, है ना? And ध्यान से देखो, यहाँ पर पानी किस direction में निकल रहा है. The direction of flow of water is perpendicular to the surface of the vessel. Come on, people, give me a yes. If you understand this. Yes, sir. Right? Yes, यहाँ पर पानी निकलने का जो direction है, that is perpendicular to the surface of the vessel. और पानी को धक्का देके कौन निकलता है? पानी को धक्का देके निकालने वाला pressure होता है. Yes, people. Give me a yes. पानी को धक्का देके कौन निकालता है? पानी का pressure निकाल के देता है पानी. Yes? Yes, sir. तो पानी अगर वेसल के सरफेस से 90 डिग्री पे निकलता है, तो प्रेशर भी किस तरफ लग रहा होगा? प्रेशर एक्टिंग ऑन द वेसल विल ऑलवेज विल आल्सो बी एट एन एंगल ऑफ व्हाट? 90 डिग्री. प्रेशर जो लग रहा होगा वो भी 90 डिग्री पे ही लग रहा होगा. इज दैट क्लियर पीपल? समझ में आया मैंने क्या बोला? Yes, sir. Yes, sir. So, प्रेशर का डायरेक्शन क्या होता है? जैसा सरफेस, उस सरफेस के परपेंडिकुलर है. तो अगर मैंने तुमको ये पूछा कि अगर सरफेस ऐसा है तो बताओ प्रेशर किस तरफ होगा, तब तुम क्या बोलोगे? सर तब इस सरफेस पे प्रेशर ना ऐसा लगेगा, इस जगह पर, इस जगह पर ऐसा प्रेशर होगा. फिर मैंने बोला अच्छा इस जगह पर अगर सरफेस ऐसा हुआ तो, इफ दिस इज अ सरफेस, तब तुम बोलोगे सर इस जगह पर प्रेशर ऐसा लगेगा. डू यू अंडरस्टैंड दिस? डिड यू अंडरस्टैंड दिस? मैंने क्या कहा? मैंने यहाँ पर सरफेस के अलाइनमेंट को बदल दिया. क्या बदल दिया हमने? सरफेस के अलाइनमेंट को बदल दिया और अकॉर्डिंगली प्रेशर का डायरेक्शन भी बदल दिया. जब वो ब्लैक वाले सरफेस को देखोगे तब प्रेशर का डायरेक्शन देखो, और जब वो नियॉन कलर के सरफेस को देखोगे तब प्रेशर का डायरेक्शन देखो. दोनों केसेस में एक ही जगह पर एट द सेम लोकेशन प्रेशर का डायरेक्शन अलग अलग है, डिपेंडिंग कि तुमने कैसा सरफेस चूज किया है. दैट मीन्स प्रेशर के पास इस लोकेशन पे कोई यूनिक डायरेक्शन नहीं है. It does not have any definite direction at this point. The direction of pressure depends on, the direction of pressure depends on कि तुमने अपने surface को कैसे रखा है.
सरफेस का पोजीशनिंग बदल जाएगा तो प्रेशर का डायरेक्शन भी बदल जाएगा. दैट मींस प्रेशर डज नॉट हैव अ यूनिक डायरेक्शन. दैट इज द रीजन, हम वन ऑफ द रीजन दैट प्रेशर एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं है. वेक्टर क्वांटिटीज के बाद के पास एक यूनिक डायरेक्शन होता है. समझ में आया पीपल? इज दैट क्लियर? बोलो. यस सर. यस सर. ओके. ये जो सरफेस टेंशन है ये तो तुमको अभी समझ में नहीं आएगा, तो सरफेस टेंशन को अभी के लिए इग्नोर करो. करंट के बारे में ऑलरेडी बोल चुका हूँ कि करंट जो है इसके पास मैग्नीट्यूड भी है, इसके पास डायरेक्शन भी है, बट इट डज नॉट फॉलो द रूल्स ऑफ वेक्टर अलजेब्रा. है ना, ये स्केलर एडिशन के रूल्स को फॉलो करता है. सो दैट इज द रीजन, इवन दो करंट के पास मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन है, फिर भी एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं है. इज दैट ओके पीपल? इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो. टेक अ स्क्रीनशॉट फ्रॉम दिस. Done, sir. Oh. आगे बढ़ते ठीक है, let's move forward. अभी अगर हमने वेक्टर्स को लेकर डिस्कस कर लिया, नेक्स्ट याद है कि वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम कैसा सिंबल यूज करेंगे. तो सबसे पहले ये समझो जनता कि जो वेक्टर्स होते हैं ना, वेक्टर्स के पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है. राइट टू अंडरस्टैंड? ठीक है, वेक्टर्स के पास क्या होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है. तो वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम जो सिंबल डिसाइड करेंगे, उस सिंबल के पास मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करने का एज वेल एज डायरेक्शन रिप्रेजेंट करने का फीचर होना पड़ेगा. डू यू अंडरस्टैंड दिस लाइंस पीपल? डिड यू अंडरस्टैंड दिस लाइंस? यस सर. सो वी यूज एन एरो टू रिप्रेजेंट ए वेक्टर. ए वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एरो यूज करते हैं. तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ एरो का जो ये देखो ये एरो ज्योमेट्रिकली द वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय लाइन विद एन एरो इंडिकेटिंग द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर. मतलब ये जो एरो है, एरो का जो ये जो तुमको हेड दिख रहा है, हेड समझ में आया, ये जो पीछे वाला पोर्शन इसको हम टेल बुलाते हैं और जो सर वाला पोर्शन है वो हेड बुलाते हैं. ये जो जगह है जनता, ये वाला जनता, ये वाला हमको क्या बता रहा है, डायरेक्शन. इज देयर ओके अनुभव? इज देयर ओके पीपल? Is that okay? ये arrow हमको क्या है? Yes sir. Arrow can see the direction. और ये tail क्या है? Tail हो गया पूछ. पूछ होता है. ठीक है. And ध्यान से देखो क्या लिखा है. The length. एक मिनट. The length of the arrow will represent the magnitude. The length of the arrow will represent the magnitude. For example. For example. सोचो एक गाड़ी इस तरफ ट्रेवल कर रहा है विद स्पीड ऑफ लेट अस से 20 मीटर पर सेकंड और दूसरा गाड़ी उसी तरफ ट्रेवल कर रहा है लेट अस से विद वेलोसिटी ऑफ 50 मीटर पर सेकंड. है ना, तो अगर मैं तुम 20 मीटर पर सेकंड को वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो अगर तुम ऐसा एरो बनाओ तो 50 मीटर पर सेकंड जो कि एक वेलोसिटी है, जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसको अगर एक एरो से रिप्रेजेंट करना चाहोगे या वेक्टर के सिंबल से रिप्रेजेंट करना चाहोगे उसको तुमको ऐसे रिप्रेजेंट करना पड़ेगा. तो अगर तुम इन दोनों लाल एरोस को कंपेयर करो तो तुमको क्या दिखाई देगा, दोनों का एरो हेड जो है, जो सर है, दे आर पॉइंटिंग अलोंग द सेम डायरेक्शन. बिकॉज पहले वाले गाड़ी का जो डायरेक्शन है और दूसरे वाले गाड़ी का जो डायरेक्शन है, दोनों का डायरेक्शन सेम है. तो जो हेड है दोनों का एक ही तरफ पॉइंट कर रहा है. बट फर्क क्या है दोनों में? फर्क है उनके मैग्नीट्यूड में. एक का मैग्नीट्यूड 20 है, दूसरे का मैग्नीट्यूड कितना है जनता? दूसरे का मैग्नीट्यूड 50 है. और एक एरो का जो टेल होता है, जनता ध्यान देना, एरो का जो टेल होता है वो मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करता है. तो अगर तुमने 20 वाले का टेल इतना बनाया तो 50 वाले का टेल उसे तुमको लंबा बनाना पड़ेगा इन ऑर्डर टू रिप्रेजेंट कि 50 मीटर पर सेकेंड हैज ए हायर मैग्नीट्यूड एज कम्पेयर टू 20 मीटर पर सेकेंड. बोलो, ये समझ में आया? Yes, sir. ये तो हमने एरो के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया. अभी अगर तुमको वेक्टर को 50 मीटर पर सेकंड को v के फॉर्म में लिखना तो ऐसे लिखना पड़ता है, v ऊपर एक एरो साइन ऐसा देना पड़ता है, दैट इज 50 मीटर पर सेकंड. तो ऊपर इसके ऊपर अगर तुम ऐसे एक टोपी पहना दोगे, टोपी पहना है ना तुमने, छोटा सा सिंबल दिया एरो साइन का, ये एरो साइन हमेशा ना राइट की तरफ होगा. समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ पीपल? समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? ये जो V के ऊपर तुमने टोपी पहनाया, ये एरो हमेशा राइट की तरफ ही होगा. हाँ, इसमें लेफ्ट राइट मत करना.
तो वी के ऊपर अगर तुमने टोपी पहना दिया, टोपी एक एरो पहना दिया, तो जनता जिस जो देख रहा होगा इसको, जो ऑब्जर्वर होगा, जो देख रहा होगा, उसको ये सिंबल देख के समझ में आ जाएगा, अच्छा ये जो वी है वो एक वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है। समझ में आया? इज दैट ओके? ये जो वी है ये एक वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है। इज दैट ओके? इज दैट ओके? यस सर। यस सर। अगर तुमको v वेक्टर के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करना है, ये तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, अगर मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करना है तो सिंबल कैसे यूज करते हैं हम, इस v वेक्टर को दो डंडे के अंदर लिख देते हैं, इसको मॉडुलस बोलते हैं। तो अगर तुमने दो डंडा लगा दिया तो यहाँ से बाहर जो निकलेगा, जो भी चीज बाहर निकलेगा वो सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, एंड दैट इज 50। तो अगर तुमको मैग्नीट्यूड सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करना है तो ऐसा तुम दो डंडा बना सकते हैं और उसके बीच में तुम v वेक्टर लिख सकते हो, एंड दैट इज इक्वल टू 50। Is that okay, people? Is that okay? Give me a yes, अगर समझ में आ रहा है। Yes, sir. Yes, sir. मैं ये कह रहा था, मैं ये तुमको कह रहा था कि सोचो अगर कोई गाड़ी इस तरफ ट्रैवल कर रहा है 10 meter per second, तो इसका v वेक्टर जो लिखोगे ना, ध्यान से देखो क्या लिख दोगे, -10 meter per second, ऐसा लिख सकते हो -10, बिकॉज ये लेफ्ट की तरफ पॉइंट कर रहा है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो एरो का साइन है, ये जो एरो का साइन है, या ये जो एरो का साइन है, ये जब हम सिंबॉलिकली किसी अल्फाबेट के ऊपर वेक्टर साइन दिखाते हैं, वो हमेशा राइट की तरफ ही होता है। इवन दो यहाँ पर वेक्टर लेफ्ट की तरफ है, लेकिन यहाँ पर तुम लेफ्ट मत दिखाना है, हाँ यहाँ पर लेफ्ट मत दिखाना है, यहाँ पर किसी अल्फाबेट के ऊपर जो एरो होगा वो हमेशा राइट की तरफ ही होगा। समझ में आया? किसी अल्फाबेट के ऊपर जो एरो होगा वो हमेशा राइट की तरफ ही होगा। इज दैट क्लियर पीपल? बोलो समझ में आया? यस सर। यस सर। यस सर। अच्छा और एक चीज बता दीजिए, मेरे दिमाग में जस्ट नाउ याद आया, मैं एक चीज बता के रखता हूँ। कभी कभी अगर फॉर एग्जांपल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करना है तो तुम सिंपली वी भी लिख सकते हो, ऐसा वी, वी विदाउट द टोपी। दिखाई दिया सबको? यहाँ पर देखो वी के ऊपर हमने टोपी नहीं दिखाया, टोपी नहीं दिखाया, इसका मतलब यहाँ पर जो वी है वो सिर्फ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 50 रिप्रेजेंट कर। और टोपी लगा के दिखाना चाहोगे तो दो डंडा देना पड़ेगा, और बिना टोपी के दिखाओगे डायरेक्टली वी लिख के, उसका मतलब क्या होगा, वो सिर्फ मैग्नीट्यूड ही रिप्रेजेंट कर रहा है। जनता बोलो समझ में आया? इज दैट क्लियर? यस सर। तो ये पुरानी चीज है, सबको पता है, चलो टेक ए स्क्रीनशॉट, टेक ए स्क्रीनशॉट। हो गया? इज इट डन? यस सर। यस सर। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ध्यान से देख, इफ ए वेक्टर इज डिस्प्लेस्ड पैरेलल टू इटसेल्फ, इट डज नॉट चेंज। मतलब इसका मतलब क्या है जनता, ध्यान से देख, सोचो ये वेक्टर है, ये वेक्टर, इस वेक्टर को तुमने क्या किया, इस वेक्टर को पकड़ा, पकड़ के शिफ्ट करके यहां लेके आ गए, यहां से उठा के यहां लेके आ गए, यहां लेके आ गए, ऐसा। और तुमने शिफ्ट कैसे किया देखो जनता, ये शिफ्टेड द वेक्टर पैरेलल, दिख रहा है ना, ये वाला वेक्टर एंड ये वाला वेक्टर, दे आर पैरेलल टू ईच अदर। कम ऑन पीपल, जनता जवाब दो। यस सर। तुम सबको समझ में आ रहा है ना, अफरूजा, निशान, निजिता? यस सर। समझ में आ रहा है? हां सर। यस सर। देखो तो ये बताओ, जो पहला नियॉन कलर का वेक्टर है और सेकंड जो नियॉन कलर का वेक्टर है, क्या दोनों का डायरेक्शन सेम है? पहला नियॉन कलर का वेक्टर है, सेकंड नियॉन कलर का वेक्टर, क्या दोनों का डायरेक्शन सेम है? जनता जवाब दो। यस सर। यस सर। एग्जैक्टली यस, आई एम वेटिंग फॉर यू आंसर, जवाब देना। क्योंकि देखो इसका सर और इसका सर देखो, बोथ द हेड्स आर पॉइंटिंग अलोंग द सेम डायरेक्शन, दोनों का सर एक ही डायरेक्शन में पॉइंट कर रहे हैं, और दोनों वेक्टर का जो लेंथ, लेंथ ऑफ द वेक्टर, दोनों वेक्टर का क्या है, सेम है। तो अगर पहले वाले को ए वेक्टर बुलाओगे तो इस वाले को भी तुम क्या बुलाओगे, ए वेक्टर ही बुलाओगे। ऐसा क्यों सर? ऐसा इसलिए बिकॉज वेक्टर का पहचान उसका मैग्नीट्यूड होता है और उसका डायरेक्शन होता है। यहाँ पर अगर तुमने वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट किया, इफ यू हैव शिफ्टेड द वेक्टर पैरेलली, ना उसके मैग्नीट्यूड में कोई फर्क पड़ता है, ना उसके डायरेक्शन में कोई फर्क पड़ता है, मतलब वेक्टर नहीं बदला, वेक्टर नहीं बदला, तो पहले वाले वेक्टर को भी अगर मैं ए वेक्टर बुलाता हूँ तो दूसरे वाले वेक्टर को भी मैं ए वेक्टर ही बुलाऊंगा। नाउ जनता ये बताओ, डिड यू अंडरस्टैंड दिस, फील आया मैंने क्या बोला?
ट्रांजिशन ऑफ ए वेक्टर पैरेलल टू इटसेल्फ, चाहे तुम ए वेक्टर, चाहे तुम सी वेक्टर या चाहे तुम बी वेक्टर को देखो, सारे वेक्टर्स आर इक्वल। हाँ, उनका लोकेशन अलग अलग हो सकता है, लेकिन वेक्टर का पहचान वेक्टर का लोकेशन नहीं होता। वेक्टर का पहचान उसका मैग्नीट्यूड होता है, उसका डायरेक्शन होता है। और ए देख लो, सी वाले वेक्टर को देख लो या बी वाले वेक्टर को देख लो, सबका डायरेक्शन सेम है, सबका एरो का लेंथ सेम है। तो हम ये कहेंगे कि ए वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर इक्वल टू सी वेक्टर। दैट मींस इफ ए वेक्टर इज शिफ्टेड पैरेलल टू इटसेल्फ इट डज नॉट चेंज। बोलो, समझ में आया? यस Now, do you understand this line, people? Next point. If a vector is rotated through an angle other than multiple of 2 pi or 360 degree, it changes. Can anyone explain me इसका मतलब क्या है? कि अगर किसी वेक्टर को घुमाया जाता है, जैसे कि देखो, ये A वेक्टर है, इसको घुमा के हम इधर लेके आ गए, तो हमने कहा कि वेक्टर A तो बदल गया, ये नया वेक्टर बन गया। क्या मुझे कोई एक्सप्लेन करके बता सकता है कि अगर मैंने A वेक्टर को घुमा दिया, वो वेक्टर कैसे बदल गया? Anyone? Why did the vector change if the vector is rotated? So angle changes. Yes. Angle so direction changes. Yes. Direction. Correct. All of you are correct. Direction yes, change ho gaya sir. Kyunki ye vector ko rotate kar doge to uska direction badal gaya sir. Direction badal gaya to vector badal gaya. Vector ka pehchan hi to uska direction aur uska magnitude hai. In dono mein se kuch kisi ko bhi badal doge to vector badal jayega. So that is the reason A vector is not equal to B vector. Dikh raha hai na in this case? Even though vector को तुमने घुमाया, vector दोनों same नहीं होगा, ठीक है? लेकिन यहाँ पर और एक चीज बताया गया है, जनता ध्यान से देखना। Other than multiple of 2 pi या 360 degree, इसका मतलब क्या? ये बोल रहा है कि अगर तुमने किसी vector को 2 pi से घुमाया, या उसके 2 pi, 4 pi, 6 pi, 10 pi ऐसे घुमाया, then the vector will not change. Do you agree with this statement? Yes, sir. क्योंकि अगर 360 डिग्री घुमाओगे, कैसे घुमाओगे? अगर 360 डिग्री घुमाओगे तो वेक्टर घूम के फिर से अपने पुराने पोजीशन में आ जाएगा। यस पीपल, यस सर, यस सर। अगर 360 डिग्री घुमाओगे तो पूरा घूम के फिर से उसी पोजीशन में आ जाएगा। सो दैट इज द रीजन ये लिखा गया। थर्ड वाला रीजन इसे टाइम पास है। इफ द फ्रेम ऑफ रेफरेंस, एक मिनट, If the frame of reference is translated or rotated, the vector does not change. ये frame of reference, ये है frame. ये हमारा frame of reference. इसको घुमा दोगे तो vector में कोई फर्क पड़ेगा क्या? There is no change in the vector. ना vector का magnitude change होगा, ना vector का direction change होगा. तो अगर तुमने coordinate axis को घुमा दिया, या translate कर दिया, या हिला दिया, coordinate axis जनता समझ में आ रहा है ना? मैं इसके बारे में बात कर रहा हूँ. Y axis, X axis. इसको अगर move कर दोगे तो vector में कोई change नहीं आएगा. ना वेक्टर का मैग्नीट्यूड चेंज होगा, ना वेक्टर का डायरेक्शन चेंज होगा। जनता बोलो, समझ में आया? इज दैट ओके? यस सर। ओके, चलो टेक अ स्क्रीनशॉट, टेक अ स्क्रीनशॉट। ओके पीपल, चलो आज के लिए इतना ही, आज और नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है? डन फॉर टुडे। आज जितना कुछ पढ़ा है वो सबको समझ में आया, एकदम बेसिक आइडिया था। ओके, चलो कल भी ना हम वेक्टर्स की कहानी को ही स्टडी करेंगे, वेक्टर्स के कंसेप्ट को ही स्टडी करेंगे। एंड मैं ना तुम लोगों को कुछ एक डीपीपी दे दूंगा रिलेटिव मोशन का, और कुछ क्वेश्चंस दूंगा, आज अपलोड कर दूंगा, वो करना, ठीक है? डू इट, कल नहीं चाहिए, एक दो दिन टाइम लेके करना। yes, कल हम वेक्टर्स पढ़ेंगे। yes, जब आओगे वेक्टर्स रिवाइज करके आना, ठीक है? ओके सर। यस सर। ओके सर। चलो थैंक यू सर। सर, हां हां बोलो सर। जो डीपीपी में क्वेश्चंस होते हैं वो तो मल्टीपल चॉइस टाइप होते हैं, सो हमें सिर्फ मतलब सॉल्व करके आंसर देने से ही होगा या फिर पूरा प्रोसेस भी दिखाना पड़ेगा? प्रोसेस मतलब पूरा क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं, शॉर्ट में प्रोसेस दिखाना पड़ेगा। शॉर्ट में पूरा तुम लोग जैसे लिखते हो ना, गिवन दिस गिवन दैट, वो सब नहीं चाहिए। जस्ट जो सॉल्व करने का जो प्रोसेस है उसको दिखाना तुमको, बस ये सिर्फ आंसर लिख देने से पता नहीं चलेगा ना। सर आपने जो पहले वाले दिए थे उसमें तो सिर्फ आंसर लिख के मतलब रफ कॉपी में सॉल्व करके आंसर लिख के दे दिया।
कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी से शॉर्ट करके सॉल्व करके देना, ठीक है? तो वो पेपर तुम्हारा पेपर जूनियर फैकल्टी चेक करता है, एंड अगर देखो तुम्हारे लिए है दिस, दिस थिंग्स आर बेसिकली फॉर यू, तो तुमको अच्छे से कॉपी मेंटेन करना पड़ेगा, और जब अपलोड करोगे तो शॉर्ट में करना, तुम्हारा अपने कॉपी में भी ना कोई मतलब एकदम क्या बोलते हैं उसको, गिवन कंडीशन ये वो सॉल्यूशन ऐसा लिखने की जरूरत नहीं, शॉर्ट में सॉल्व करना, क्योंकि तुम जब एग्जाम देने जाओगे नीट दो या जेई दो, तुमको सिर्फ एक गोला बनाना पड़ेगा, पता है ना, चार ऑप्शंस रहेंगे जिसमें से एक गोला बनाना पड़ेगा, यू नो दिस? यस सर। हां यस सर, देयर इज नो यूज ऑफ वेस्टिंग टाइम ऑफ नो जस्ट राइटिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स, बोर्ड के लिए तो प्रिपेयर करना ही पड़ेगा, लेकिन जेई और नीट के क्वेश्चंस जब करोगे तो सिर्फ शॉर्ट में सॉल्व करना, ठीक है? ओके सर। ओके पीपल, टाटा बाय बाय, कल मिलता है, चलो। थैंक यू सर, बाय बाय सर। थैंक यू सर, बाय बाय सर। बाय जी सर, मुझे भेज दें वो वीडियो। बाय सर। ओके सर, सिर्फ वो वाला वीडियो भेजना, ये सब मैंने रिकॉर्ड कर लिया सिर्फ।